कहाँ भाग रही हो? क्या कहा? तुम्हें ड्राइविंग लाइसेंस लेना है? हाँ ठीक है, तुम्हें ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, पर उसके लिए मैं फीस क्यों दूँ? बताओ मुझे, मैं जल्दी ही वापस कर दूंगी। पर पैसे को संभाल के खर्च करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम सिर्फ घर की चीजें खरीदने के लिए पैसे खर्चते हैं। हाँ सही कहा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि दीदी मेरी फीस जरूर जमा करवा देंगी। अरे मुसाई मौसी, ऐसा क्या हुआ? आप क्या हमसे कुछ छुपा रही हैं? हाँ हाँ जवाब दो ना। कुछ नहीं छुपा रही। तुम फीस के लिए मॉम से क्यों नहीं बात करती? वो दरअसल उन्होंने जो फीस के पैसे दिए थे, मैंने उससे नया कैमरा ले लिया। क्या? ये तो बिल्कुल गलत बात है, मॉम और मदद नहीं करेंगी। अच्छा तो ये बात है। तुम लोग ऐसे मत कहो। वैसे सोचो, अगर मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है तो आपको भी फायदा होगा, जैसे जब आप शॉपिंग से वापस आ रही हो। मैं कुछ समझी नहीं। और बारिश हो जाए? अब घर कैसे जाएं? मम, अब हम क्या करेंगे? हम तो बारिश में फंस गई। आप मुझे याद करेंगी? अरे हाँ, मैं मुसाई से कहती हूँ वो गाड़ी लेकर आ जाएगी। और मैं फौरन गाड़ी लेकर आ जाऊंगी। हाँ बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन और जरा सोच कर देखो कि आप कहीं बाहर गई हैं और आपको वापस आने की जल्दी है। चलो हैरी, चलना नहीं है? अरे मुझे भूख लगी है, रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। घर में कुछ भी बनाने के लिए नहीं है, हम क्या खाएंगे? तो ऐसे में मैं आपकी मदद कर, अगर मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है तो आपको भी फायदा होगा, जैसे जब आप शॉपिंग करूंगी। दीदी आप मेरे साथ चल सकती हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अरे क्या सच में? तो देखा आपने कितने सारे फायदे हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर ऐसा हुआ भी तो मैं ऑटो ले सकती हूँ। वो तो है। ओ दीदी, आपने तो मुझसे लिखवा भी लिया है। मैं तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकती मुसाई। हिम्मतवारी, तुम मुझ पे हमेशा भरोसा कर सकती हो, ठीक है? हाँ, तुम उसके अच्छे भाई हो। मतलब मेरी दीदी भी बहुत अच्छी है, देखो ना, उनकी वजह से मेरी फीस जमा हो रही है। देखिए, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। जरा सुनिए, मैंने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, तो मुझे फीस जमा करनी है। अच्छा, फीस जमा करनी है? ओ तो ये बात है, लेकिन आप इनकी बड़ी बहन नहीं लगती। भैया हिमागरी, आप तो हाय कहना चाहती है। हाय, तुम तो बहुत ही प्यारी हो। अरे ये दोनों भी ना। हाँ। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि यहाँ का स्टाफ इतना अच्छा है? मैं तो बेकार में ही तुम्हारी फिक्र कर रही थी। सुनिए सर। कहिए। देखिए, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। तो क्या आप इस ड्राइविंग स्कूल को ठीक से देखना चाहेंगी? हाँ, ये तो बिल्कुल बच्चों की तरह बात कर रहा है। कुरुमा युडान कीची, ऐसा लगता है जैसे किसी कार का नाम है। आप यहीं बैठकर इंतजार क्यों नहीं करती? तो मेरी चिंता मत करो मुसाई। आप चाहे तो यहाँ पर शॉपिंग भी कर सकती हैं। अरे शिनचैन रुको, मुझे ये चाहिए और वो भी चाहिए। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। देखिए, ये एक ओरिजिनल पीस है, ये कहीं और नहीं मिलता, सिर्फ यहीं पर मिलता है। ये अच्छी क्वालिटी के खिलौने तो बहुत ज्यादा चलेंगे मम, जब हिमावरी बड़ी हो जाएगी तो वो भी उनसे खेल पाएगी। अरे हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। अरे ये क्या कह रही है? अरे रुको रुको, भागो मत, तुम्हें चोट लग सकती है बेटा। थोड़ा आराम से खेलो बेटा। तुम ये कार शिनचैन के लिए ले लेना मुसाई। क्या तुम इतना नहीं कर सकती? अच्छा ठीक है। अरे ये तो मजेदार लगता है। ये अच्छा लग रहा है मॉम, प्लीज मुझे ये खेलना है। अरे नहीं नहीं शिनचैन बेटा, ये तुम्हारे खेलने के लिए नहीं है। देखिए अभी यहाँ पर कोई भी नहीं है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ी देर प्रैक्टिस कर सकती हैं। हाँ, अरे नहीं, मुझे इसकी क्या जरूरत, इस बारे में सोचा ही नहीं था। अरे ये क्या कह रही है? मेरे पास तो ड्राइविंग लाइसेंस है। क्या आप ड्राइविंग टेस्ट से डरती हैं? क्या कहा तुमने? ठीक है, मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ कि ड्राइविंग कैसे की जाती है।
अरे सर, हम ये गेम फ्री में खेल सकते हैं, मजा ही आ गया। अरे ये गेम नहीं है, असली कार चलाने से पहले इसमें ड्राइविंग की प्रैक्टिस करते हैं। ये भी भला कोई तरीका है सड़क पार करने का? एकदम से बीच में ही आ गए। अरे अभी गड़बड़ हो जाती, इन्हें तो सड़क पार करनी आती ही नहीं है। सड़क पार करते हुए दाएं बाएं देखना चाहिए। अरे उसने सिग्नल देखा ही नहीं, भला ऐसे भी कोई साइकिल चलाता है? समझ नहीं आ रहा ये सब हो क्या रहा है। आज क्लास में आपको ड्राइविंग के बारे में बताया जाएगा, उसके बाद आपको कार की ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है ठीक है, अब हम वापस जा रहे हैं। वैसे तुम्हें यहाँ कितनी देर लगेगी? आप चाहें तो पिकअप बस से भी जा सकती हैं। अच्छी बात है। तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ठीक है। शिनचैन, अरे कहाँ गया? अरे अरे वो दीदी कहाँ चली गयी? कुछ समझ नहीं आ रहा कि शिनचैन को कहाँ ढूंढूं। लगता है आज उसका पहला दिन है। अरे आज क्लास में आपको ड्राइविंग के बारे में बताया जाएगा, उसके ये तो शिनचैन है। बताया ना तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। अच्छा तो ये कार ड्राइव करेगी। देखो कोई जल्दबाजी मत करना। अच्छा सर, मैं ऐसा ही करूँगी। अब आप आराम से बैठिए और सिग्नल देते हुए गाड़ी स्टार्ट कीजिए। चलिए शुरू कीजिए। ठीक है सर। अगर आप ब्रेक पैडल से पैर नहीं हटाएंगे तो गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? माफ कीजिएगा। अरे मुसाई, तुम ठीक हो ना? देखो वो अभी सीख रही है, उसे आराम से समझाइए। आपको इस तरह से डांटना नहीं चाहिए, नहीं तो वो घबरा जाएगी और ड्राइविंग नहीं सीखेगी। ऐसा नहीं है दीदी, ये तो मुझे आराम से ही समझा रहे हैं। मुझे माफ कर दीजिए। दीदी हमेशा ही ऐसा करती हैं, पहले गलती करती हैं फिर माफ़ी मांगती हैं। क्या कर सकती हैं? लेकिन ये बात भी तो है कि वो मेरी कितनी फिक्र करती हैं। मुझे माफ कर दीजिए। कार रुक गई है।